हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप मेरे साथ पूरे ब्लॉगिंग में कंटिन्यू बने रहे। तो चले गाइस, बिना देरी के ब्लॉगिंग को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जस्ट गाइस, आप देख सकते हैं अभी मैं जामफल के बगीचे में घूम रहा हूँ गाइस, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जामफल लग रहे हैं। और गाइस, मैं कहाँ पर आया हूँ वो आप लोगों को अभी बताता हूँ, कंटिन्यू बने रहे। पहले आप इन जामफलों के लुक का मजा उठाइए। तो गाइस, अभी थोड़ी देर से हम जामफल भी खाएंगे पके हुए, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आपको भी खाना है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपके घर तक भी पहुंचा सकता हूं। तो ठीक है गाइस, बने रहे हमारे साथ, तो जुड़े रहें और ऐसी जानकारी पाते रहें। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार से बगीचा बना रखा है जामफल का। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जामफल लगे हुए हैं। वाह, बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े जामफल लगे हुए गाइस। पूरा गाइस ये खेत है, पूरा जामफल का ही पूरा बगीचा ही बना रखा, आप देख सकते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पे नहीं लगे हुए हैं गाइस, और बहुत बड़े बड़े जामफल है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ। दादी, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, हमारी दादी आज जामफल लेके आते हुए हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं जामफल पका हुआ जामफल। गाइस, मैं दादी के गांव में आया हुआ हूँ। हम अभी आए थे गाइस, तो सोचा कि बहुत टाइम से ब्लॉगिंग अच्छे से नहीं बनाया, तो अभी ब्लॉगिंग बना लेते हैं। और दादी इतना बहुत ही बड़ा पका हुआ जामफल लेके आते हैं, तभी ऐसे मजे से खाएंगे। क्या कहना दादी, खाएंगे कि सर पकेला कैसा निकलता है? का वीडियो बनाना है, तो चलिए गाइस उनका वीडियो बनाते हैं। क्या होता था बड़ी-बड़ी जामफल गाइस, आप देख सकते हैं कितने बहुत बड़े बड़े जामफल हो रहे हैं ये। दादी बता रहे हैं कि बहुत ही इंसान आते देखने के लिए करके। तो गाइस, ये देख सकते हैं बहुत पक्का हुआ जामफल ये। अगर आपको रियली में जामफल अगर खाना है, तो मैं इनके मोबाइल नंबर है वो मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा बगीचा बना रखा है गाइस, सच में रियली गाइस बताऊं कि बहुत ही अच्छा बगीचा है, बहुत ही बड़े बड़े जामफल लगे हुए हैं। और ये गाइस रानापुर से समथिंग पड़ेगा हमको 3-4 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गाँव है भूतखेड़ी होकर के, वहाँ पर यह बगीचा बना हुआ है गाइस। जस्ट गाइस, आप देख सकते हैं अभी मैं जामफल के बगीचे में घूम रहा हूँ गाइस, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जामफल लग रहे हैं। और गाइस, मैं कहाँ पर आया हूँ वो आप लोगों को अभी बताता हूँ, कंटिन्यू बने रहे। पहले आप इन जामफलों के लुक का मज़ा उठाइए। तो गाइस, अभी थोड़ी देर से हम जामफल भी खाएंगे पके हुए, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। अगर आपको भी खाना है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपके घर तक भी पहुंचा सकता हूं, तो ठीक है गाइस, बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहें और ऐसी जानकारी पाते रहें। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को किस प्रकार से बगीचा बना रखा है जामफल का।